लोगों के मन में निसान मैग्नाइट की बिल्ड क्वालिटी को लेकर काफी डाउट्स है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में कंपनी इसे ऑफर कर रही है उसे देखकर तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा ही। और यही जानने के लिए हमने भी निसान डीलर पे विजिट किया, बट निराशा ये रही कि बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई भी शूट करने से स्ट्रिक्टली मना किया गया, और ऐसे में बिल्ड क्वालिटी पर डाउट थोड़ा और गहरा गया। ऑल द वॉक अराउंड वीडियो फिर भी उन्होंने अलाउ कर दिया, तो ऑफ द कैमरा जो भी हमने ऑब्जर्व किया वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। कॉस्मेटिकली कार में कोई शिकायत नहीं है, फिट एंड फिनिश तो अच्छी है, लेकिन पेंट क्वालिटी थोड़ी ओके ही है, यानी कि ज़्यादा अव्वल दर्जे की नहीं कह सकते। कार की बॉडी में जो मटेरियल यूज़ किया है वो थोड़ा सा निराश करेगा। फ्रंट और रियर बम्पर पे जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो आसानी से दब जाता है। वैसे बम्पर थोड़ा लचीला होता भी है ताकि किसी पेडेस्ट्रियन को टक्कर लगने पर ज़्यादा चोटें ना आए। बट अगर बात हो इसके शीट मेटल की, फिर चाहे वो बम्पर पे हो, डोर्स पे हो या फिर बूट डोर पे, वो थोड़ा एवरेज ही लगेगा। बम्पर पे थोड़ा सा वजन देने पर वो आसानी से दब जाता है, और ऐसा ही कुछ बाकी जगह पर भी देखने को मिलेगा। अब अगर आप इसकी क्वालिटी को नेक्सॉन, सोनेट, एक्सयूवी या इस सेगमेंट की किसी और कार से कंपेयर कर रहे हैं तो उनके मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हल्की है। बट अगर आपने अभी तक हैचबैक्स ही चलाई है तो उनके मुकाबले इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर ही फील होगी। इंटीरियर की अगर बात हो तो यहाँ पे कुछ मिलीजुली कहानी है। फिट एंड फिनिश तो अच्छी है, बट प्लास्टिक क्वालिटी एवरेज ही नजर आएगी। सीट्स में फैब्रिक्स का अच्छा इस्तेमाल किया गया और प्रीमियम फील जरूर देता है। डोर्स पे भी कहीं कहीं फैब्रिक का इस्तेमाल करके काफी चतुराई से काम लिया गया है। एक चीज इसमें बहुत ही कमजोर नजर आई वो है ग्रैब हैंडल्स। इसमें ऐसा फील आ रहा था कि अगर आप इसमें ज्यादा वजन दोगे तो शायद ये निकल के बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पे निसान ने कुछ ज्यादा ही चीप काम किया है। बाकी कार्स के डोर्स में वजन जरूर है, लेकिन एक सिक्योर वाली फीलिंग अपने कॉम्पिटिटर से कम ही है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी एवरेज ही है और लगभग मारुति वाली ही क्वालिटी मिलेगी। वैसे भी जो इसकी कीमत है उसमें कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग होनी ही थी, तो साफ साफ दिखता है कि निसान ने वो इसके मटेरियल में करी है। अगर आप अभी तक छोटी कार चला रहे हैं तो उस केस में ये आपको थोड़ा बेटर ही लगेगी, बट अगर आप बड़ी कार चला रहे हैं तो शायद आपको इसकी क्वालिटी कुछ सस्ती सी लगेगी। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। बाकी आप एक बार शोरूम जरूर विजिट करें, कार को अच्छे से देखें और तब हमें कमेंट में बताएं कि आपके मुताबिक कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी।